आप हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं आप और निखिल दोनों पोस्टर बॉय भी हैं स्टार्टअप वालों के लिए अभी आ, हम निखिल को देख भी रहे थे <laughs> आ, अमेरिका में प्रधानमंत्री के साथ वो स्टेड डिनर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट <laughs> किया आ, वो तस्वीर भी है <laughs> आ, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा बिजनेस रिटेल क्लाइंट से बना है राइट <laughs> right? तो रिटेल क्लाइंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जीरो आई पी कब लेकर आएगा नहीं यू नो इट इज़ ऑलमोस्ट हिपोक्रिटिकल कि यू you नो know, इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट रहे यू यू नो नो मैं जाके हर जगह बोलता हूँ नो वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए कंपनीज में वगैरह प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में ऐसा है कि यू नो बिजनेस में प्रोडिक्टबिलिटी बहुत कम है आ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू क्या होगा मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा आप बता सकते हैं कि निफ्टी क्या होगा क्योंकि पूरा बिजनेस निफ्टी पे डिपेंडेंट है mm. मैंने पहले जैसे बोला जो डेल्टा है जो अपना बैंक एफ और निफ्टी का दैट डिफरेंस रियली मैं जब थिंक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स आई थिंक जो फूड साइकिल रिस्क के फूड साइकिल में लोएस्ट है तो आई डोंट थिंक बिजनेसेस जिनके पास रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबिलिटी है mm. उनको रिटेल

सी लेकिन टेक्नोलॉजी ये प्रोडिक्टिटी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता नहीं। क्योंकि, आ, आ, you know, I mean, है अच्छा अभी एक पॉइंट आपने टच किया था कि आजकल काफी लोग एडवाइजरी में आगे किसकी सुने किसकी ना सुने नए नए काफी इन्फ्लुंसर्स हैं जिन्होंने तेजी मंदी का एक साइकिल भी नहीं देखा लेकिन ज्ञान पूरा है अब आजकल रिटेल इन्वेस्टर बड़ा मुश्किल में होते है किसकी सुने किसकी ना सुने क्या, ये जो सोशल मीडिया पर इतना शोर चरवा है कैसे हैंडल करें इसको नो आई मीन ये ये बहुत आई डोंट हैव अ राइट आंसर टू इट बट आई थिंक जो अगर आप किसी को भी फॉलो जो भी बोल रहा है कि मार्केट में आसानी से पैसा बना सकता है उसके तो फॉलो करना ही नहीं चाहिए हूं कि दुनिया में आसान पैसा बनाने के लिए ये टफेस्ट रूट है अच्छा सो इट इज अ वेरी हार्ड वे टू मेक मनी आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स है स्पेशली आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मनी मैनेज नो अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है और आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा है mm. क्योंकि अब बेस्ट स्टॉक टिप लेके

आई थिंक बेटर थिंग टू डू इज इज यू नो आपने अपने करियर में की शुरुआत हार्ड को ट्रेडिंग से की है और अपने ट्रेडर्स की बात करते हैं और आपने कहा भी कि मेरा बिजनेस बड़ा सिक्लिकल है तो फिर मुझे एक ओपिनियन आपसे मार्केट पर जरूर लेनी चाहिए <laughs> कि आ, आपको मार्केट क्या लगता है <laughs> क्या क्या जो लोग कहते हैं कि इंडिया का टाइम आ गया है चाहे वो बिजनेस करने के लिए आते हो चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो आप ऐसा सोचते हैं इज यू नो मुझसे यू नो यूजली स्टार्टअप वर्ल्ड में ना लोग पूछते हैं क्यों तुम अमेरिका क्यों नहीं जाते हो या यू यू नो डोंट गो किसी और कंट्री के mm. लिए बना mm. मेरा यूजुअली रेस्पॉन्स होता है कि यू नो इंडिया इज अ सेंटर ऑफ द प्लान राइट ना मुझे जो भी करना है इंडिया में करना है क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आई एम पेट्रियाटिक बट इट्स इट्सो की दिस अ स्मार्ट थिंग टू डू सो इंडिया का टाइम है बट आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू मेक मनी इन इंडिया इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा है, है कि जो आपका रेवेन्यू पूल है Mm. जिससे जिनसे यू नो जिन लोगों से आप बिजनेस बना रहे हो तो जिनसे आप पैसा कमा सकते हो mm. वो पाँच करोड़ से कम है लाइक यू नो हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में है कि स्टिल अ वेरी पोर कंट्री एंड यू नो वो जो uh, हमें अ कंट्री वॉट वी नीड टू डू इज टू गेट वेल्थी इंक्लूसिवली माने सबको लेके जब जब तक वो होगा नहीं तो यू नो आप बिजनेस बनाओगे तो इट्स नॉट वेरी इजी यू नो इटअप बनाने के लिए और फॉर न्यू बिजनेसिस बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि वॉट इज यूर लॉन्ग टर्म यू एप्सोलूटली बुलिश क्योंकि स्किन इन द गेम सो मीन यू नो एक्शन इज लाउडर दैन वर्ड्स की मैं बस बोल नहीं रहा हूँ पूरा स्किन इन द गेम पूरा बी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप इको सिस्टम एक्सेट्रा बट शॉर्ट टर्म इट वेरी हार्ड टू कॉल आई मीन जो बिकॉज द प्रॉब्लम इज इंडिया इवेंचुअली यू नो वी आर ऑल मैरिड टू डिफरेंट कंट्रीज आई मीन जो यू में हो रहा है यू नो आई मीन वो सब इवेंचुअली इट ऑल्सो मैटर इन द शॉर्ट टर्म सो शॉर्ट टर्म का पता नहीं बट लॉन्ग टर्म एब्सोलुटली आई मीन बहुत जेनरिक आंसर लगेगा बट यू नो रियली आई मीन दैट्स व्यू निखिल और नितिन दोनों ही बड़े ब्लू हाइड बॉय हैं yeah. पोस्टर बॉय हैं इंडिया के स्टार्टअप इको सिस्टम के मैं एक इवेंट में आपकी भी स्पीच थी मेरी भी थी और मेरा भांजा मुझे कहता है कि <laughs> मामा मुझे नितिन के साथ फ़ोटो खिंचवानी उनके साथ सेल्फी लेनी है ये आपकी पॉपुलरिटी है कई लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि चाहे एक्सचेंजेस के लेवल पे हो रेगुलेटर्स के लेवल पे हो मिनिस्ट्री में हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो पॉलिसी मेकिंग में कमिटीज़ में हमेशा ये दोनों भाई आगे रहते हैं ऐसा क्या आप अलग करते हैं कि आपको हर जगह बुलाया जाता है नो आई थिंक Uh, I think uh, as a business, uh, uh, we haven't taken shortcuts, mm -hmm. right? Mani, like, Or usually, you know, I think being generally honest about your views, mm -hmm. right? Uh, I think people who are in today's you get noticed much easier, mm -hmm. right? Or and sometimes I wonder, how weightage we mm -hmm. uh, it, because it's because we are bootstrapped, money mm -hmm. we are profitable. Mm -hmm.

थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं कुछ नए विचार नए चीजें लेकर आते हैं शायद इस वजह से आपको काफी पसंद किया जाता है नितिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने समय दिया और सारे मुद्दों पर खुलकर बात की और आई एम श्योर Uh, आधा घंटे पहले yeah. और अब आप हिंदी में ज्यादा बेहतर कंफर्टेबल है लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शन थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर मच नितिन कामत जी, uh, जीरोदा के फाउंडर आपसे बातचीत करते हुए इस शो खास शो में इतना ही मुझे